एक दिन पहले बुधवार को कोयला कारोबार के नाम पर तस्करी करने के आरोप में संजय गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने पुरलिया में छापेमारी की, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। सीबीआई की कार्रवाई से कोयला तस्करी की सपोर्ट करने वालों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल में काम करने वालों कुछ पत्रकार व पुलिस अफसरों के भी हड़कंप मचे हुए हैं। सीबीआई सूत्रों की माने तो करीब 525 पत्रकारों व 110 पुलिस पदाधिकारियों के नाम सीबीआई के हाथ लगे हैं, जो अनूप मांझी के सिंडिकेट के सांठगांठ रखते थे। रोजाना सैकड़ों करोड़ के कोयले का कारोबार करने वाले अनूप मांझी के सिंडिकेट के किस तरह यह जुड़े हैं या क्या करते थे, इस किस तरह अनूप मांझी के धंधे में आगे बढ़ने की मदद करते थे, सब कुछ सीबीआई खंगाल रही है। खबर तो यह है कि झारखंड व पश्चिम बंगाल के कुछ सभी 525 पत्रकार व 110 पुलिस पदाधिकारियों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजकर कोलकाता में निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कोयला घर बुलाया जा सकता है। लाला के कोयला तस्करी के साम्राज्य से संस्थाल परगना भी जुड़ा हुआ है। संस्थाल परगना के गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका के अलावा झारखंड के धनबाद, गिरिडीह और पश्चिम बंगाल के आसनसोल, बर्दवान, दुर्गापुर, पुरलिया के से जिन पुलिस अधिकारियों और पत्रकारों के नाम सीबीआई के हाथ लगे हैं, वो किसी न किसी रूप से अनूप मांझी उर्फ लाला के अवैध कारोबार के फलने फूलने में मदद करते थे। कईयों ने इस सिंडिकेट के संपर्क में आकर करोड़ों रुपये कमाए हैं। काफ़ी मशक्कत के बावजूद अनूप मांझी सीबीआई के हाथ नहीं लगा है। सीबीआई ने अनूप मांझी को विदेश भागने में सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। उसके पासपोर्ट, वीज़ा पर सीबीआई ने पैनी नज़र रखी है। झारखंड के कई कारोबारी अनूप मांझी की सिंडिकेट में पश्चिम बंगाल से जुड़े झारखंड के धनबाद, गिरिडीह व जामताड़ा के कई अवैध कोयला कारोबारी हैं सिंडिकेट के सहयोगी पर सीबीआई की नजर है। अनूप के लाला बनने की कहानी राजनीतिक से प्रभावित है। लाला का सियासी सरकदारों से ने भी नाता रहा है। वह धनबाद में पहले शंभवान था और वह अब शहासत हो गया है। लाला की सियासी असर ऐसा है कि उसे दीदी का दुलरुआ बताया जाता है, तो मोटा भाई से भी उसे नाते ढूंढे जाते हैं। गृह मंत्री का काफिला बंगाल आया था तो लाला पर आईटी का फंदा पड़ा। सब सीबीआई मामले को खंगाल रही है। बंगाल में लाला की तलाश में 45 ठिकानों पर रेड पड़े हैं। मामले में ECL के एक सिक्योरिटी अधिकारी पर भी FIR हुआ है, क्योंकि बिना लोक उपक्रम के अधिकारियों को अभियुक्त बनाने कानून का लंबा हाथ लाला तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। बंगाल में लाला को TMC का फंड मैनेजर बताया जाता है, तो झारखंड में उसके रिश्ते सत्ता के विपक्ष के एक समान बताए जाते हैं। लाला के लिए जाति, मजहब और सियासी झंडों का रंग कोई फैक्टर नहीं है। TMC के इस फंडे रेजर को धनबाद में उद्यानी नेता और धनबाद से लेकर दुमका तक के पुलिस महकमे में तत्कालीन पुलिस अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त है। झारखंड के कई सहरुखदार आज भी सीमा पार कर लाला के ही गेट्स बने रहते हैं। अनूप मांझी से लाला बनने बनते कोयला तस्करी से इस किंगपिन को 3 कोयला मंत्री देख लिए। इसी दौर पे अनूप पर केस हुआ तो नेताओं, पुलिस और पत्रकारों के लिए भी वह लाला बनकर उभर गया।